आलू जो सब्जियों का राजा है, अगर खेत की तैयारी के समय सावधानी नहीं बरती गई, तो अक्सर किसानों को घाटा हो जाता है। तो चलिए आज हम उन किसान दीदी भैया से ही सुनते हैं कि खेत की तैयारी सही तरीके से कैसे की जाती है, जिससे उपज अच्छा होता है। आहा, खेत के तैयारी कब कैली भैया? खेत के तैयारी 2 दिन पहले कैली है। अच्छा, बहुत अच्छा काम कैली। खेत के तैयारी कभी भी आलू रोपाई से 2 दिन पहले ही करे के चाहिए दीदी। दीदी, खेत के तैयारी कैसे कैसे कैली? 3 बार खेत के जोताई कैली, जो मिट्टी हल्का हो जाए। खाद 1 कट्ठा के खेत में 3 क्विंटल इस्तेमाल कर ली है। यूरिया है 4 kg 1 कट्ठा खेत के लिए, जिसमें 2.5 किलो देवे के है तैयारी के समय और 1.5 किलो देवे के है मट्टी चढ़ाने के समय। यह है सिंगल सुपर फॉस्फेट 3 किलो 1 कट्ठा के लिए। यह है पोटास 3 किलो 1 कट्ठा के लिए। यह है जिंक सल्फेट 0.5 किलो 1 कट्ठा के लिए। 1 कट्ठा खेत के लिए 35 से 40 किलो उपचारित बीज। भैया, खेत तैयारी करे के बेरी जिंक आ पोटास कैला मिलवे छी? दीदी, जिंक ए लेल देल जाइए आलू के खेती में कि नाइट्रोजन जो है वो खींच के और मट्टी में संचित करिए और आलू के पैदावार अधिक बढ़ जाइए। पोटास देवे से आलू में चमक अबैया और आलू के आकार भी बढ़िया। आलू के खेती में पोटास देवे से झुलसा रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक बढ़ जाइए। आलू के आकार अच्छा होए से, चमक अधिक होए से बाजार में आलू के वैल्यू बढ़ जाइए और कीमत ओकर अच्छा मिलेगा। ये आलू का बोरा नहीं, पैसा के बोरा है। जितना अच्छा से अगर आलू अहाँ उपजबै, उतना अच्छा पैसा मिलते। तो है ना पति की बात। तो अब आपको पता चल ही गया कि खेत की तैयारी और साथ साथ खाद का महत्व कितना होता है। याद रहे, अगर हम सही समय पे और सही मात्रा में खेत में खाद बीज का उपयोग करें, तो उपज में असर पड़ता है।